लिखा हुआ आएगा। अगर आप टाइम इंसर्ट करोगे, टाइम की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, टाइम फिक्स्ड, पेज नंबर की जगह पेज फिक्स्ड, मतलब वो दिखाएगा नहीं आपको, डेट टाइम को आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आएगा जो ये वर्क में। ये टाइप करने के बाद में करेंगे तभी आ सकता है? नहीं, टाइप करने के लिए नहीं, आप पेज आप यूज करो, आप चाहते हो कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है, अब उसका डेट या टाइम करके मैंने टाइम बनाया है, इस डेट को मैंने बनाया है, अलग से हम डेट टाइम इंसर्ट करते हैं ना, बजाय लिखने की बजाय हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप मैं डेट अगर इंसर्ट करूंगा, अगर फील्ड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो वहाँ पर टाइम की जगह क्या होगा, इस तरीके से दिखाएगा डेट पे, डेट टाइम पेज नंबर। कह रहा हूँ कि ये काम हम बाद में करते हैं या पहले करके तब काम कर सकते हैं। जो डेट लिखा हुआ है ये बोल रहे ना, मैं ये काम करने से पहले डेट अभी ठीक है ना, ठीक है समझ में आ गया? चावल खत्म करना फील्ड का समझ में आ गया, इस फील्ड नेम का समझ में आ गया, क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं फील्ड नेम का यूज, अगर फील्ड नेम सेलेक्ट नहीं है तो हम डेट टाइम को इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम कुछ भी अगर डेट और टाइम को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जगह फिक्स्ड लिखा हुआ आएगा, डेट टाइम की जगह फिक्स्ड लिखा हुआ आएगा। तो अगर मान लीजिए हमें बात क्लिक करना है, अब ये फिक्स्ड आ रहा है ना, नहीं नहीं ये अभी वो आगे के मेन्यू में मैं बता रहा हूँ कि इसे यूज क्यों करते हैं, जैसे हम स्पीच है डेट हो सकती है, डेट लिखा हुआ है, अगर ये सेलेक्ट होगा नीचे तो इस तरीके से उसमें जाने के लिए अभी ये इंसर्ट करना आगे के मेन्यू में आएगा। अब यहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि डेट टाइम आए तो क्या करना है, व्यू पे जाएंगे, फील्ड नेम पे क्लिक कर देंगे, आगे डेट है, इसी प्रकार से अगला ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है, क्लिक करना, ये वाला आपका ये छोड़ दिया था फील्ड सेटिंग, बात क्लिक करना, जो आपने डेट या टाइम लिखा हुआ है इसके पीछे जो हाईलाइट हो रहा है, शेड हो रहा नहीं है पीछे, वो सेटिंग से क्या आता है, आप उसके पीछे का जो ये कलर है इसको हटा सकते हो, आप सेटिंग पे क्लिक करोगे जो इसके पीछे जो कलर है ये हट जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करते हैं ना ये उस तरीके का आ जाएगा, क्लिक करने को आगे नॉर्मल टेक्स्ट में फिर से क्लिक करोगे तो इसके बाद जो सेटिंग है वो आ जाएगा। हाईलाइट में फिर सेटिंग क्या डिफरेंस है सर? हाईलाइटिंग में क्या है, जहां तक हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे कलर आता है, इस सेटिंग में क्या है, बाय डिफॉल्ट जो हम डेट और टाइम कर रहे हैं वो पहले से बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट किया हुआ है, वो इससे आ रहा है, आप उसको अगर हटाना चाहते हो उसको हटाने के लिए फील्ड में फील्ड शेडिंग का यूज करना होगा। और हाइलाइटिंग में क्या था, हम पर्टिकुलर कोई भी कलर को सिलेक्ट करके किसी लाइन किसी टेक्स्ट किसी वर्ड को उसको हाईलाइट कर देते हैं, कलर से हाईलाइट कर दिया उसको हम अंडू करके भी हटा देते हैं, लेकिन इसको आप अंडू करोगे कुछ नहीं होगा। यहां तक हो गया, अगला ऑप्शन है आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर से क्या होता है, मतलब इसमें सिंबल्स बने हुए आ जाएंगे, ऐसे कैरेक्टर को आप प्रिंट नहीं कर सकते, वो दिखाई तो देगा लेकिन जब प्रिंट करोगे तो उसका प्रिंट नहीं आएगा, मतलब ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आप स्पेस देते हो, स्पेस देते हो तो स्पेस दिखाई देता है नहीं ना, अगर मैं यहाँ पे एक बात क्लिक कर इसको डिलीट कर दो, स्पेस देना हमें स्पेस तो नहीं दिखाई दे रहा ना, इसी प्रकार से हम एंटर यूज करते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता ना कि नेक्स्ट लाइन में आया, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो दिखाई तो देगा इसके अंदर
लेकिन वो प्रिंट नहीं होता, उसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, गलती से इस पर क्लिक करना, नॉन प्रिंटिंग, वो इस तरह का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंटर के लिए ये वाला सिंबल बना हुआ, ये वाला सिंबल, जब भी आप एंटर प्रेस करोगे इस तरह का सिंबल आते जाएगा, एंटर प्रेस करना, जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का सिंबल आते जा रहा है, स्पेस देना, स्पेस देते जाओ, जब भी हम स्पेस दे रहे हैं इस तरह का सिंबल आ रहा है, आ रहे हैं ना, ये स्पेस के लिए, एंटर के लिए, मतलब ये सिंबल्स क्या है, जब इसका प्रिंट दोगे तो आप जब नॉर्मल प्रिंट आओगे बिल्कुल जब ब्लैंक जो पेज है ब्लैंक ही आएगा, हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं लेकिन पेज हमारा कैसा आएगा, ब्लैंक आएगा, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज कुछ नहीं है, बस ये जब हम बेसिकली ज्यादा से इसकी डिटेल को नहीं पता, क्योंकि जब सिंबल्स कुछ होते हैं दिखाने के लिए, जो हमारा स्पेस और जो एंटर है ये हम मतलब स्पेस लेते हैं उसको दिखाने के लिए, किस तरीके के मान लो कि हमने पेन टाइप किया, वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता कि हमका यूज हुआ है नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ यहाँ पे एंटर और स्पेस का यूज हुआ है देखने के लिए, एक जैसे अलग सिंबल से डिफाइन को किया गया था कि स्पेस के लिए डॉट डॉट आएगा, इसके लिए पाई का सिंबल बना हुआ है, ये क्या होगा इनकेस अगर आप बच्चों को करा रहे हो, ठीक है, वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है, इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे उनकी स्क्रीन पे, तो बच्चे परेशान होंगे, सर ये क्या है, ये क्या है, इनको हटाएंगे कैसे हटाएंगे, वो ऑटोमेटिक नंबर अगर बटन बटन दबाते रहते हैं कोई ना कोई सॉकेट कमांड दब जाता है, जिससे ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, ये कुछ कमांड करके इसका अगर करेंगे तो वो ये सिंबल आ जाएगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, फिर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू मेन्यू पे, नॉन प्रिंटिंग पे क्लिक करके तो फिर से पहले से नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो आपके वीडियो के अंदर है, इसमें आपका आएगा एक फुल स्क्रीन और जूम का, बाकी का ऑप्शन एडवांस के लिए है, जब हम राइट भी यूज करेंगे उसके लिए, फुल स्क्रीन से आप बड़े स्क्रीन में देख सकते हो, इसके शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे से आप फुल स्क्रीन में ला सकते हो, वापस कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करोगे फुल स्क्रीन से बाहर, फिर बाकी आपको जूमिंग का पता ही है, जूमिंग से क्या होता है पेज के साइज को कम या ज्यादा आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हो, ये प्लस माइनस वाले से कम होगा पेज, प्लस वाले से जिसके साइज वो बढ़ता जाएगा, या फिर आप यहाँ पे व्यू में क्लिक करके जूम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप उनको यूज करके पेज के साइज को अलग अलग व्यू में देख सकते हो, ठीक है। व्यू मैंने यहाँ पे कंप्लीट था, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आप लोग क्वेश्चन करना, जैसे कि अब पेज में देखा होगा कैसे पढ़ाते हैं राइटर में, आपको पता चल गया होगा, अब आपको क्लास लेनी है, क्योंकि बेसिकली आपका काम क्या है, क्लास लेना है ना, आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन करना आना चाहिए, वीडियो को रोकना आना चाहिए, वीडियो को प्ले करना आना चाहिए, मेन चीज आपका यही है, अभी जिन्होंने नहीं किया था वो आज आपको हो गया, तो आप रह गए थे, आप आपने भी नहीं किया, नहीं वाला आपने भी बैठा नहीं वाला, सर आप भी रह गए थे और आप भी रह गए, 15-15 मिनट का सेशन करते हैं, आज चारों को कवर करा देते हैं, ठीक है। इससे आगे का इसमें जो है वो आप कराएंगे या कोई लोग इससे आगे जो चीज रहेगी, तो हाँ इंसर्ट बाकी जो ऑप्शंस है वो अगले मॉड्यूल में, अगले मॉड्यूल में, ये राइटर से इसमें सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, पेज की जो सेटिंग है वो कैसे की जाती है, पेज का साइज क्या है, बेसिक चीज होती है, इस पेज का ये है, इसका पेज का सेटिंग और किस सिस्टम का साइज क्या होता है, इसके अंदर पेज सेटअप ऑप्शन आएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये वेट हो, ये सब पूरे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे पेज सेटअप।
वो हमने अभी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे किया है ठीक है इसको 100% करते हैं तो मतलब प्रिंटिंग एरिया में आ जाएगा ये प्रिंटिंग एरिया में आएगा हाँ ये नॉर्मल सर अभी मैं साइज के ऊपर बता ना कि मतलब विंडो का साइज क्या सर इसकी रेजोल्यूशन सेट करना है रेजोल्यूशन भी है वो स्पेस सेटअप में आ जाएगा नहीं नहीं विंडो की रेजोल्यूशन सेट करने वाली है इसलिए ये ऐसे शो हो रहा है इस वजह से भी होती है ठीक है बाकी को ऑप्शन जाएगा वो उसमें आगे करेंगे आप अजय वीडियो भी नहीं चलाने वीडियो की प्रैक्टिस स्टॉप करना प्ले करना पोस्ट करना ये कुछ करेंगे आप नहीं करोगे मैनुअली ले लो क्वेश्चन कर लोगे ना कहाँ पे क्वेश्चन रोकना है कौन सा वाला ये वाला